हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मोटोरोला आजकल खूब ज्यादा तबाही कर रहा है, चाहे बजट स्मार्टफोन हो या फिर मिड रेंज हो या फिर फ्लेक्सिप वाले स्मार्टफोन हो। और मोटोरोला का अब से एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला 10 जुलाई को फ्लिपकार्ट के ऊपर। और ये स्मार्टफोन जिस प्राइस पे लॉन्च होगा और जिस तरह के फीचर्स देने वाला है, सही में इस बार भी ये तबाही मचा देगा, क्योंकि जिस तरह के फीचर्स इसमें दे रहे हैं या फिर मिलने वाले हैं, वो शायद ही कोई और स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, उस नए स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके जो सारे फीचर्स है वो कन्फर्म हो चुके हैं और प्राइस भी ऐसा कह सकते हैं कि कन्फर्म हो चुकी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये स्मार्टफोन कौन सा रहने वाला मोटोरोला का। और ये स्मार्टफोन रहेगा मोटो G85, जो कि G84 का ही सक्सेसर रहने वाला है। और G84 भी काफी अच्छा स्मार्टफोन था और इस बार इन लोगों ने सबसे बड़ा चेंज किया है इस जी सीरीज में। इस बार आपको जो है जी सीरीज में कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, G85 के अंदर आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाला एक कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, वो भी 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस रेजुलेशन के साथ में। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इन लोगों ने इसमें जो है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दे रखी है। तो मोटो G85 जो है फ्रंट की तरफ से काफी प्रीमियम फील देने वाला है, क्योंकि ये कम से कम प्राइस में लॉन्च होने वाला है और उसके अंदर आपको जो कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और अगर इसके बैक पैनल की बात की जाए तो बैक पैनल में आपको विगल लेदर का सपोर्ट भी मिल जाएगा और बैक पैनल सेम टू सेम जो है मोटो S50 फ्यूजन के जैसा देखने को मिलने वाला है। बस यहाँ पर कलर्स को जो चेंज कर दिया गया है, बाकी जो डिजाइन मोटो S50 फ्यूजन की रही थी वही सेम डिजाइन आपको लगभग जो है मोटो G85 के अंदर मिलने वाली है। और इसका ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है मोटो S50 फ्यूजन का ये जो एक लाइटर वर्जन होने वाला है। और अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 6 Gen 3 वाला प्रोसेसर, जो कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देगा। और अगर इसके कैमरा की बात करें तो इसका जो कैमरा सेटअप भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। 50 MP का मेन कैमरा मिल जाएगा सोनी का OIS के सपोर्ट के साथ में, और सेकेंडरी कैमरा मिलेगा आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और फ्रंट में मिल जाएगा 32 MP का जो सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो कैमरा सेटअप भी अच्छा खासा दे रखा है। और अगर इसके बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आपको मिल जाएगी 5000 mAh की बैटरी 33W की चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में। तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड आपको थोड़ी सी कम लग सकती है, अगर यहाँ पर 45W की चार्जिंग का सपोर्ट दे दिया होता तो अच्छा हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कमी ये है कि जैसा कि मोटो S50 फ्यूजन के अंदर आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन इसके अंदर आपको सिर्फ IP52 की ही रेटिंग देखने को मिलने वाली है। वैसे यहाँ पर अगर IP54 की भी रेटिंग हो गई होती तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता, क्योंकि IP52 की जो रेटिंग है आजकल 10,000 के स्मार्टफोन के अंदर भी देखने को मिल जाती है आसानी से किसी भी कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पर इन लोगों ने चार्जिंग स्पीड में और इसकी IP रेटिंग में थोड़ी सी कमी कर दी है, बाकी इसका जो डिस्प्ले अच्छा रहने वाला है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक या फिर अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, और कैमरा सेटअप भी इसका अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। और इसमें दो वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं, 8128 और 12256, और डिजाइन जो इसकी काफी अच्छी रहने वाली है। और जैसा कि मोटोरोला के मोस्टली स्मार्टफोन के अंदर आपको ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है, तो इसके अंदर भी आपको ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा Dolby Atmos के साथ में। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस क्या रह सकती है। इसकी जो प्राइस है 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं रहने वाली लॉन्च प्राइस, और नॉर्मली ये जो प्राइस है 20,000 से ज्यादा नहीं जाएगी। और हो सकता है कि अगर इसमें कुछ लॉन्च ऑफर भी ऐड हो जाए उसके बाद इसकी जो प्राइस है 17,000 या फिर 18,000 रुपए हो सकती है इसके बेस वेरिएंट की, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छी डील रहने वाली है। अगर ये 17,000 रुपए की ऑफर प्राइस में लॉन्च हो जाता है तो काफी सारे लोगों के लिए काफी अच्छी डील साबित हो सकती है, और 20,000 रुपए की प्राइस के अंदर ये काफी सारे स्मार्टफोन को अच्छे से टक्कर देने वाला है। तो अब देखना ये कि एक्चुअल में इसकी जो प्राइस है कितनी लॉन्च होती है। वैसे 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। और आप लोगों के क्या विचार है, आप भी इस स्मार्टफोन के बारे में इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इसकी जो लॉन्च प्राइस है क्या हो सकती है, कौन से फीचर में आपको जो कमी देखने को मिली या फिर इसका कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो इस वीडियो को ये खत्म कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।